वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी मैया की जय। कहते हैं राधे तू बड़ भागनी, राधे तू बड़ भागनी, नित कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारन तरन जो तेरे अधीन। सब द्वारन को छोड़ के आयो तेरे द्वार, हे विश्व भानु की लाडली मेरी हो गया। ऐसी देवी देवता नहीं देखा जो जिसका अपनी देवी के चरण दबाते हुए, मगर हमारे किशोरी जी के चरण हमारे ठाकुर जी दबाते हैं। दोस्तों, हरिद्वार कुंभ में पावन गंगा माँ के तट पर संतों का डेरा जमा हुआ है, अखाड़े जमे हुए हैं। हमारे साथ में महाराज जी हैं, जूना अखाड़े से जुड़े हुए हैं, और साथ ही आज तमाम साधन और सुविधाएं होने के बावजूद तमाम तरह के लोगों के पास संकट हैं, तमाम तरह की समस्याओं से ग्रस्त हैं, उन सब से निकल नहीं पा रहे, तो उस सब के बारे में महाराज जी से बातचीत करेंगे। महाराज जी, बहुत बहुत प्रणाम। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हम श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े के चेले हैं। हमारा गुरु स्थान रोहतक में है, गोकर्ण धाम, और एक बाबा बालकपुरी डेरा है। हमारे सतगुरुदेव भगवान बाबा लक्ष्मणपुरी जी महाराज और बाबा बालकपुरी हैं। मेरे गुरु जी श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी कपिलपुरी जी। महाराज जी, ये अखाड़े की क्या परंपरा है, जूना अखाड़े की? जूना अखाड़ा सबसे पुराना अखाड़ा हमारा जूना अखाड़ा है। सबसे पुराना अखाड़ा जूना अखाड़ा है। हाँ जी, हाँ जी जी। महाराज जी, ये मैं देख रहा हूँ कि जैसे आज संसार में साधन और सुविधाएं ज़्यादा हैं, लेकिन तमाम तरह की समस्याओं से लोग नहीं निकल पाते हैं। पहले टाइम पे भगवान जी की बहुत भक्ति होती थी, बहुत भक्ति तपस्या होती थी। अब इस कलयुग के अंदर कोई भगवान जी का नाम लेके राजी नहीं है, और कोई भगवान की सेवा करके राजी नहीं है। पहले टाइम में बड़े जो बड़े ऋषि महर्षि होते थे, हजार हजार वर्ष में तपस्या करते थे, अपने शरीर को भी शून्य करते थे। कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उथर पारा। पहले भगवान के नाम के हजार वर्ष तपस्या होती थी, फिर भी ऋषि महर्षि अपने शरीर को शून्य करते थे, फिर भी परमात्मा के दर्शन नहीं होते थे। अब इस कलयुग के अंदर प्रभु ने अपने नाम का आधार दे रखा है कि प्रभु ने इस कलयुग के अंदर, कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा सिमर सिमर उथर पारा। जितना ही इस कलयुग के अंदर हम प्रभु का नाम लेंगे, जितना हम प्रभु के भजन करेंगे, जितना नाम लेंगे, उतना ही हमारा कल्याण होगा। संसार में इंसान ऐसा है कि इतना व्यस्त हो गया है कि उस परमपिता परमात्मा को भूल गया, और बाकी जो कार्य है और बाकी जो कार्य उसमें ज़्यादा उसका नाम रुचि लेने गए, और जो परमपिता परमात्मा की भक्ति भूल गए। पहले टाइम में इतना भगवान का भजन होता था, बच्चे से लेकर बुजुर्ग इतना भजन करते थे परमात्मा का। और इस टाइम कोई भगवान का, किसी को अगर हम राम का नाम कहेंगे, कृष्ण का नाम कहेंगे, कोई राम का नाम नहीं लेकर राजी, कोई कृष्ण का नाम लेकर राजी नहीं है। इस समय तो कोई उसका नाम, कि इतना इंसान बीजी हो गया, कोई परमात्मा का नाम दोबारा बोलने के राजी नहीं है जी। इसीलिए मैं देखता हूँ महाराज जी, गाँव में या कस्बों में अन्य जगहों पे मंदिर जो है हमारे वो खाली हैं, तमाम छोटे छोटे मंदिर, वहाँ शाम को आरती नहीं होती, पूजन नहीं होता। इसलिए तो ये मूल कारण तो यही है ना कि इसका नाम कि मूल कारण ये है कि कष्ट संसार में आ रहे, कि भगवान की भक्ति दुनिया ने छोड़ दिया है, कि दूसरे कार्य के लिए रुचि होगी, या उसका नाम कि किसी गरीब की कोई मदद नहीं करनी, और उसका नाम कि किसी का कोई सेवा नहीं करनी। अगर कोई कष्ट में है तो उसको कष्ट से बचाना नहीं जी। तो महाराज जी, ये तो संत महात्माओं का इतना आशीर्वाद हुआ करता था कि लोग सेवा में लग जाते थे, लोग भक्ति में लग जाते थे, तो आप लोगों का आशीर्वाद क्या कम हुआ है क्या? नहीं, हमारा आशीर्वाद तो पूरा है। हम तो ये कहते हैं कि प्रभु परमपिता परमात्मा श्री कृष्ण योगेश्वर महादेव, योगेश्वर श्री कृष्ण और महादेव की कृपा सब पे बनी रहे, गंगा मैया की, हमारे ठाकुर जी की, हमारी राधा रानी मैया की, कि हमारे गुरु पीर की, गुरु दत्तात्रेय भगवान की सब पे कृपा बनी रहे। दोस्तों, अभी महाराज जी से तो मैंने बातचीत की, लेकिन महाराज जी ने कहा कि राधा किशोरी जी की महिमा और कन्हैया जी की यानी ठाकुर जी की महिमा क्या है, उसके बारे में महाराज जी बताएंगे। महाराज जी का पहले मैं स्थान दिखा रहा हूँ, आप सबको दर्शन करा रहा हूँ कि देखिए ठाकुर जी और राधा किशोरी जी यहाँ पर विराजमान है, दीपक जल रहा है और महाराज जी यहाँ पर उपस्थित है। जब मैं प्रवेश किया महाराज जी के इस पंडाल में यानी अखाड़े में मैं आया, तो महाराज जी पूजन कर रहे थे। फिर महाराज जी ने कहा कि मैं राधा किशोरी जी की और ठाकुर जी की महिमा का बखान करेंगे। तो महाराज जी से मैं फिर सानिध्य आप सबका करा रहा हूँ कि ठाकुर जी की महिमा क्या है और राधा किशोरी जी की महिमा क्या है। महाराज जी, राधा किशोरी जी की महिमा, वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी मैया की जय। कहते हैं राधे तू बड़ भागनी, राधे तू बड़ भागनी, नित कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारन तरन जो तेरे अधीन।
सब द्वारन को छोड़ के आए हो तेरे द्वार हे विश्व भानु की लाडली मेरी हो न्या। आपने सब देवी देवताओं को देखा होगा कि कोई ना कोई देवी देवता जैसे ब्रह्मा विष्णु हो गए, शिव जी पार्वती हो गए, कोई ऐसी देवता नहीं, कोई ऐसी देवी देवता नहीं देखा जो जिसका अपनी देवी के चरण दबाते हुए, मगर हमारे किशोरी जी के चरण हमारे ठाकुर जी दबाते हैं। हे राधा रानी मैया, हे करुणामयी माँ, कि मैं पूरे संसार को छोड़ के आपके चरणों में आ गया हूँ, कि मेरे पे कृपा कीजिए और मेरे को अपने चरणों की धूल बना के रखिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी भैया जी जी जी, राधा रानी की महिमा क्या है महाराज जी? महिमा राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की आज शक्ति है। वैसे भगवान योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के 16,108 रानी है, मगर राधा रानी भगवान श्री कृष्ण जी के गुरु है। भगवान श्री कृष्ण 16 कलश अपूर्ण है और राधा रानी हमारी 64 कलश अपूर्ण है, कि भगवान श्री कृष्ण की भी गुरु हैं और तत्त्व भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी इस धरती में प्रेम रूप में आए हैं। प्रेम का आधार राधा कृष्ण से ही हुआ है। ठाकुर जी की महिमा महाराज जी बताइएगा। ठाकुर कहते हैं ना, कृष्णाय वासुदेव हरे परमात्मने देवकिनंदा गोविंदाय नमो नमः। भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर से योगेश्वर है, कहते ना उसका नाम क्या, वंदे जगत श्री कृष्ण गुरु। अगर जिसका कोई गुरु नहीं है तो भगवान जगत पिता भगवान श्री कृष्ण सबके गुरु हैं। इस धरती पे जब पाप, जब तब तक पाप बढ़ा तब तक भगवान ने धरती पे अवतार लिया, इसलिए धरती से पाप कम करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया, राधा रानी हमारी राधा रानी ने अवतार लिया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। दोस्तों महाराज जी का ये कहना है कि साधु संत जो है वो तो काम कर रहे हैं, अपनी साधना में लीन है, लेकिन जो मानव शरीर यानी हम लोगों का है वो हम सब थोड़ा थोड़ा भक्ति से हटते चले जा रहे हैं। भक्ति तो कर रहे हैं लेकिन एक दिखावे की भक्ति कर रहे हैं। अगर सही भक्ति करेंगे, सच्ची भक्ति करेंगे तो तमाम कष्टों से भी दूर होंगे, तमाम दुखों से भी दूर होंगे और हमारे अंदर आत्मिक शक्ति भी बलवती होगी, मजबूत होगी। तो इसलिए हरिद्वार कुंभ में आप सब लोग आइए, आस्था की श्रद्धा की डुबकी लगाइए, महान संतों के दर्शन करिए। आप महान संत अपने त्याग से तपस्या से हम सबको आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं।